हेलो जी, नमस्ते। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते और कहिए कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो शूट कर रही हूँ। आज दिन है संडे का और अभी शाम के बजे हुए हैं 4। तो कई दिन हो गए हैं, कई दिन क्या 15 दिन होने वाले हैं। तो 15 दिन के बाद आज मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी से स्टार्ट किया है क्योंकि कई दिन से तबीयत खराब चल रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रखा था अभी वीडियो बनाने का। तो आज थोड़ा सा आराम लग रहा है अब, तो चलो फिर बना लेती हूँ कि कई दिन हो गए हैं। और अभी बनाऊंगी भाई चाय, 4 बजे हुए हैं तो चाय बनाने वाली हूँ। और पानी आया हुआ हमारा, तो मोटर भी चला रखी है। दोपहर में मैंने भिगो के रखी हुई थी मैक्रोनी और पास्ता, दोनों चीज़ें, तो वो अभी बना रही भाई इसी का। मेरे सर में दर्द हो गया था तो फिर मैं लेट की थी थोड़ी देर के लिए, और अब वो बना रही है। काफ़ी देर हो गई थी बिगी बिगी उनको, तो अब उसने प्याज टमाटर मटर वगैरह निकाल ली, वो कर ली है, कट कर ली है सारी चीज़, और वो बना रही है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं बना लेती हूँ मेरी 1 कप चाय। आज संडे है, ये अपने ट्यूशन पे नहीं गए तो ये कर लेगी थोड़ा बहुत कुछ। और दक्ष गया हुआ अभी शादी में, तो अभी गया है। और उसके पापा गए ऑफिस में हैं और दादा भी कहीं पर बाहर गए हुए हैं। तो ये देखो इसमें कर रखा है, प्याज और टमाटर डाल रखे हैं। और ये इसमें बॉयल होने के लिए रखी हुई है मटर, और ये यहाँ पर रखी हुई है अभी मैक्रोनी। और ये बर्तन धोए थे, सूख चुके हैं, अभी मैं लगा दूंगी। पहले बना लेती हूँ अभी चाय और उसके बाद फिर करेंगे बाकी के काम। तो ये देखिए ये बना रही है, अच्छी सी बना रही है। तो अभी चाय बना लेती हूँ पहले, एक बार मैगी मसाला डाल। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है 5:30 का, और पीछे रखी हुई हरी सब्जी उबलने के लिए रख दी है। काफी टाइम लग गया उसमें साफ करने में, एकदम बहुत सारे वैसे पत्ते थे उसके अंदर पीले पीले से, और मिट्टी भी बहुत ज्यादा थी। काफी टाइम लग गया, काफी दिनों के बाद बना रही हूँ आज हरी सब्जी की। 1-2 बार और बना ले बस, बच्चे तो खाते नहीं थे, उनको तो पसंद नहीं आती, और हम खा लेते हैं फिर। तो 1-2 बार और बना लेंगे बस, अब जाने वाला है अभी सर्दी का भी मौसम। और तो बस मेथी लेकर, और मेथी को अच्छे से साफ कर कर उसने सुखा लेंगे। बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दिए हैं, और जो पहले के रखे थे वो भी जचा दिए है। अब बस दूध लेके आती हूँ, और वो लेके आने के बाद फिर मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी, और लाइट आएगी फिर उसके बाद करूंगी गैस। तो यहाँ पर सब्जी भी उबल चुकी है, तो गैस कर दिया बंद, और अब इसमें बस छौंक लगा दूंगी टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन और 1 प्याज ले लूंगी। तो पहले ऊपर थोड़े से कपड़े सुखा रखे वो उतार के लेके आती हूँ, और उसके बाद दूध लेके आऊंगी। ये आगे भी ऊपर, और ये यहाँ पे देखो, और ये यहाँ पे देखो कितने सारे गेंदे के वो पौधे उगी है, ये मोर पंखी। और ये यहाँ पे गेहूँ 2 को सुखा रखे, थोड़े से सुखाए थे 1 बाल्टी कल सुखाए थे, अभी इन्हें इकट्ठा करके रख देती हूँ ढक कर। तो ये यहाँ पे हो चुकी है जी हमारी सब्जी तैयार। गैस को कर देते हैं बंद, अब आटा लगा लेती हूँ फिर बनाऊंगी रोटी। तो ये सब्जी की कोई रेसिपी सेट नहीं की क्योंकि ये सिंपल सी है, सबको आती है, पर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बना लेते हैं सब। तो 1-2 बार पहले मैंने अपने चैनल पर ये शेयर भी कर रखी इसकी रेसिपी की, किस तरीके से बनाती हूँ मैं। भाई सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई इसमें तड़का लगाता है, कोई नहीं लगाता। तो मैं तो प्याज टमाटर वगैरह डाल के और इसका अच्छे से छौंक रेडी करके फिर बनाती हूँ। तो वो कई बार शेयर कर रखी है, तो आज इसीलिए शेयर नहीं किया कि हर बार क्या शेयर करना। तो अब लगा लेती हूँ भाई आटा। तो भाई मैं बना रही हूँ रोटी, और आ जाओ गर्मा गर्म रोटी खा लो। और ये यहाँ पर बना रखी है भाई दूध के अंदर जोए,
बस बनने वाले हैं। तो गर्मा गर्म रोटी है और हरा साग है और दूध में बना रखे जो है, तो भी जिसको भी खाने हो आ जाओ। कल भी बनाए थे मैंने, फिर मेरे और इशिका के रह गए भी थोड़े, तो आज स्पेशल हमने अपने लिए बनाए हैं। कर ले हैं फटाफट अपना काम, फिर खाना खाने के बाद मिलेंगे। तो भाई अब बज चुके हैं 9, ये देखिए पर 9 बज चुके हैं और सारा काम निपटे दिया है, दूध वगैरह सब कुछ दे दिया है, दही भी जमा दी है और अब वेट कर रही हूँ। भाई दक्ष नहीं आया है, शादी में गया था तो अभी तक नहीं आया है, फोन कर रखा था उनके पास, तो अभी खाना खाएंगे और उसके बाद में चलेंगे। देखो 10 बजे तक पहुँच पाएंगे या फिर लेट भी हो सकते हैं, तो मैं नहीं भेजती भाई उसको कहीं पे ऐसे, पर अब थोड़ा बड़ा हो गया है, 11 साल का हो गया है, बच्चों के साथ जाने की थोड़ी सी जिद करता रहता है तो भेजना पड़ा है। और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानता भाई, क्योंकि एकदम सीधा सा है, ज़्यादा वो नहीं है। और इशिका कर रही अपने रूम में बैठ के पढ़ाई, तो बस इसी के साथ मैं कर देती हूँ ब्लॉग का यहीं पे एंड। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको भी वीडियो कैसी लगती है, किस तरह की बनानी चाहिए मेरे को। और आँखों में एकदम से ज़्यादा दिक्कत सी हो रखी है कुछ, कई दिनों के चश्मा नहीं लगाती क्योंकि उसे सर में भी दर्द सा चक्कर सा बना रहता है कई दिन से, और फिर एक आध बार लगा लूँ और फिर रख दूँ तो लगाना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है दूर उसका थोड़ा सा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।